नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। शोपुर शहर से 12 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव ददूनी में श्री देवी के दीवाने ओम प्रकाश उर्फ ओपी मेहरा ने उनकी पुण्यतिथि रविवार को मनाई। पूरा गांव श्री देवी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने आया। इतना ही नहीं, 251 सहित गांव की पूरी कन्याओं को भोज भी कराया गया। 50 साल के ओपी मेहरा ने श्री देवी से शादी करने के लिए जीवन भर शादी नहीं की। वह श्री देवी को अपनी पत्नी मानता है। उसने अपने राशन कार्ड और गांव की वोटर लिस्ट में श्री देवी का नाम बतौर अपनी पत्नी जुड़वा दिया। 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुई श्री देवी की मौत की खबर सुनते ही 3 दिन तक ओपी मेहरा ने खाना नहीं खाया। श्री देवी की मौत के बाद मुंडन और तेर भी कराई गई। शनिवार को श्री देवी की पहली पुण्यतिथि थी। घर के मंदिर में लगी तस्वीर पर माला चढ़ाई, उसके बाद श्रद्धांजलि सभा रखी जिसमें पूरा गांव जुटा। श्रद्धांजलि सभा के बाद 251 बालिकाओं के अलावा सैकड़ों लोगों को भी भोज करवाया गया। कब से मानते थे उन्हें? सन 1986 से मैं उन्हें बहुत प्यार करता था और प्यार इतना गहरा हो गया कि मैंने उसको पत्नी के रूप में ही मानता रहा हूँ और मैं जीवन भर वहाँ कमा रहा हूँ। आज भी मैंने शादी नहीं की है और उनकी मृत्यु होने के बाद में मैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन मैं ऊपर वाले की मर्जी की मुझे मैं मिलने का मौका नहीं मिला। और फिर उनकी मृत्यु होने के बाद में मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। 5 दिन कम से कम उनके जब दाह संस्कार हुआ जब तक मैंने जब एक कप चाय पी थी, इसके बाद में मैंने उनका हिंदू रीति रिवाज से मैंने उनका मुंडन संस्कार करवाया था उनके तेरहवीं के दिन। और 13वीं दिन फिर उसमें मैंने उनको कन्या भोज करवाया था। आज क्या किया? आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं कन्याओं को भोज करवा रहा हूँ। वीरपुर से आजाद खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।